वेलकम टू क्रेडेंस डिजिटल लर्निंग। ज्ञान के इस महाकुंभ में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम मनी की बात करते हैं। मनी बोले तो पैसा, रोकड़ा, जिस भी भाषा में जो बोल सकते हैं वो बोले करेंसी। तो करेंसी क्या होती है, करेंसी का हम यूज क्यों करते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सबसे पहली बात मनी एक्सचेंज का साधन है। आपके गले में सुबह सुबह सब्जी वाली आई, गंगू भाई सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी, बाहर निकल के आए, टमाटर का भाव पूछा 20 रुपए किलो, 20 रुपए दिए, उसे सब्जी ले ली, क्या हुआ, इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा दिया सामान लिया। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दोस्त, ये उसका एक तरीका हो गया। अब वो सब्जी भी तो कहीं से लाई होगी, वो लाई बड़ी मंडी से, उसने क्या किया, उसको पैसे दिए, उससे सब्जी लेकर आई, थोड़ा महंगा उसका दाम बढ़ाया और हमको दे दी, शायद वो 10 रुपए किलो लाई होगी, 15 रुपए किलो लाएगी, 5 रुपए अपना मार्जिन कमा लिया और 5 रुपए का हमको प्रॉफिट कमा के उसको दे दिया, उसने प्रॉफिट कमा लिया और हमको 20 में पड़ा। तो ऐसे इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक तो ये होता है। गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी, इससे हम सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जैसे गंगूबाई ने किया, एक एग्जाम्पल हो गया। देन इट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम पैसे से सेवाएं भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल के सिम कार्ड में बैलेंस खत्म हो गया, तो क्या होगा, आप कहीं कॉल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या किया आपने, कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले, आपका रिचार्ज हो गया, आपने सर्विस का यूज कर लिया। ओके, इट्स एन एग्जाम्पल। भूख लगी, किचन में खाना नहीं, क्या करेंगे, जोमेटो को फूड ऑर्डर किया, पिज्जा आ गया, उसने सर्विस दी, इसके बदले में उसको पैसा दे दिया, क्या हुआ, सर्विस प्रोड्यूस कर दी। सो दीज आर द वेरियस यूज ऑफ मनी। पर ऐसा अभी है, पहले नहीं था, इन एंशियंट टाइम्स, थिंक इमेजिन द सिचुएशन व्हेन करेंसी वॉज नॉट देयर, जब दुनिया में पैसा इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, तो उस समय भी लोग काम चलाते थे, कैसे चलाते थे, दे एक्सचेंज गुड्स फ्रॉम ईच अदर, वो अपना सामान देते और दूसरे से सामान ले लेते थे। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इन दिस सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज, मेरे को जो चाहिए सामने वाले के पास जाऊंगा, उसको दूंगा और उसे डिजायर्ड वस्तु ले लूंगा। दिस सिस्टम वॉज एप्लीकेबल ओवर देयर, पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब मेरे को जो चाहिए वो सामने वाले के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तीन आदमी की कल्पना करें, ए बी और सी, ये तीन लोग हैं, तो ए को चाहे, ए के पास राइस है, बी के पास पॉट है, ए बी से पॉट एक्सचेंज करना चाहता है लेकिन बी को राइस नहीं चाहिए, सी के पास शू है, सी को शू चाहिए, सी के पास शू है, उसको राइस चाहिए लेकिन उसको उसके बदले में पॉट चाहिए, तो क्या होगा, दे आर नॉट एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स, वो एक दूसरे से अपने सामान को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब कि मुझे जो सामान चाहिए वो सामने वाले के पास तो है, लेकिन सामने वाले को वो सामान नहीं चाहिए जो मेरे पास है, वो किसी तीसरे के पास है, और तीसरे के साथ समस्या क्या है, उसको वो सामान चाहिए लेकिन उसके बदले में उसे एक्सचेंज करने को दूसरा सामान नहीं है। This problem was created in double consciousness of bonds. इसको सॉल्व करने के लिए क्या आता है, डबल कॉन्शियस ऑफ बॉन्ड्स, ये क्या होता है, वेन अ पर्सन इज रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स विद अदर पर्सन ऑन डिजायर्ड रेट, एक पर्टिकुलर रेट जिसमें आपने डिसाइड किया, जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा, 4 अंडे, एक रेशो सिंपल सा हम बोला सकते हैं, एक लॉफ ऑफ ब्रेड या ब्रेड का ब्रेड और उसके बदले 4 अंडे, ये हमने एक्सचेंज कर लिए, बोथ आर सेटिस्फाइड, दे आर एग्री टू एक्सचेंज देयर गुड्स ऑन पर्टिकुलर रेट, वस्तु विनिमय जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, एक्सचेंज रेट अंडर विच पर्सन इज रेडी टू सेल देयर गुड्स विद अदर पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति अपना डिजायर्ड गुड्स दूसरे को बेचने को तैयार हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स। अब अर्लीस्ट करेंसी की बात करें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए किसी राजा ने करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया,
तो दुनिया का अपने इंडिया की बात करें तो सबसे पहले करेंसी सेंड देखने को मिलता है वो पंचमार्क कॉइन था। वो पांच उसमें पांच अलग तरह के मार्क बने होते थे, तो पंचमार्क कॉइन वॉज द अर्लीस्ट कॉइन इंट्रोड्यूस ऑन द टाइम। देन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस एज टाइम पासेस, अलग अलग राजाओं ने अपने लेवल पे करेंसी को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने उसका रेट डिसाइड किया कि किसके सिस्टम में क्या आना चाहिए। लाइक सल्तनत टाइम पीरियड में एक राजा था अलाउद्दीन खलजी, खलजी का क्या था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, उसने हर चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए थे। इसके पहले भी कई रूलर्स ने ऐसा किया, अशोका ने भी ऐसा किया था, मौर्यन एम्पायर में भी ऐसा हुआ था, जब हर एक वस्तु के दाम डिसाइड कर दिए कि इसका दाम इतना है। देन आज की बात करें इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, तो हमारे पास आज की तारीख में कई प्रकार के अलग अलग करेंसी है। सबसे कॉमन करेंसी जिसको हम बोलते हैं पेपर करेंसी। पेपर करेंसी क्या, कागज़ का एक नोट, अलग अलग तरह का नोट आता है, वो हो गया आपका पेपर करेंसी का एग्जांपल्स। कई सारे नोट अलग अलग कलर्स में आजकल चलने लगे हैं, आपने देखा हो मार्केट जाओगे तो आपके एक पॉकेट में 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के अलग अलग कलर के नोट चलने लगे आज की तारीख में। दूसरा आता है मेटालिक करेंसी। मेटालिक करेंसी में आपकी ब्रॉन्ज की कॉइन आ गई, सिल्वर कॉइन हो गई, और आपकी जो अलग अलग मेटालिक करेंसी आज की तारीख में जो रुपये जो चलते हैं वो मेटालिक कॉइन्स का एग्जाम्पल हो गया। धातु के बने हुए अलग अलग तरह की धातु, ब्रॉन्ज के सिक्के, तांबे के सिक्के, देन यू हैव सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन एट्सेट्रा, ये आपके अलग अलग प्रकार के सिक्के हो गए, ये भी एक करेंसी का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगला आता है आपका प्लास्टिक करेंसी। When you don't like to carry cash along with you, safer way is to carry cards, plastic cards. We have ATM cards are there. These are example, credit card and debit card. ये example हो गया plastic currency का। इसमें भी आप transaction कर सकते हो, it also acts as a money. इसमें होता क्या है कि आपके अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है विद सर्टन कोड्स, कुछ कोड्स का यूज़ करना पड़ता है। आप ATM से भी पैसा निकाल सकते हो उसके माध्यम से, प्लस शॉप को भी, शॉप ओनर को भी पे कर सकते हो। एक और तरीका जो कोरोना काल ने हमको सिखाया प्लास्टिक करेंसी का भी, बगैर टच के हुए अपना पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी भी आज की तारीख में सबसे इसे आसान माध्यम है, पेटीएम, फ़ोनपे, अलग अलग UPI, भीम, ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके डिजिटल करेंसी के। डिजिटल करेंसी की सहायता से आज की तारीख में हम दूसरे को टच किए बिना उसके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, जस्ट कोड एक्सचेंज स्कैन करना पड़ता है आपको, कोड एक्सचेंज करके अपने पासवर्ड लॉगिन करके उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे, कोरोना काल में ये हमको लोगों ने सिखा दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज रेट करना सिखा दिया है। एक और करेंसी होती है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये करेंसी कहीं दिखाई नहीं देती है, एक्चुअल लाइफ में दिखाई देती है। बड़े बड़े कंट्रीज लाइक जापान इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ करेंसी। बल्क में पेमेंट करना हो तो उस करेंसी का यूज़ करते हैं जो कि वास्तव में होती नहीं है, बट ओरल ट्रांसमिशन आ कि इसने इतना पैसा दिया, उतना पैसा यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर हुआ, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, बट दिस करेंसी इज एक्चुअली नॉट फाउंड। बट ऑन इंटरनेशनल लेवल फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स दिस करेंसी हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर नाउडेज, आज की तारीख में करेंसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो ये अलग अलग करेंसी के प्रकार हो गए। हमारे की करेंसी ऑथोराइज होती है, अदरवाइज कोई भी कहीं पर भी करेंसी छाप लेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिस्ट्री में याद आता है कि एक बार एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के टाइम पर ऐसा हुआ था। तुगलक ने क्या किया कि मंगोलिया के खिलाफ इन्वेजन के लिए गोल्ड और सिल्वर कॉइन बचा लिए, उस कॉइन का यूज उसने इन्वेजन में किया, 1,00,000 की सेना खड़ी कर ली और मंगोलिया पर चढ़ाई कर दी। अब यहाँ का खजाना खाली हो गया, जनता खर्च कैसे चलाए, तो उसने क्या करा, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए। अब कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिया, वो कॉइन इतने हल्की क्वालिटी के थे, लोगों ने घर में टकसाल खोल डाली और घर घर में सिक्के बनना शुरू हो गए, करेंसी की बैंड बज गई, उसका प्लान डैश डाउन फेल हो गया। इसलिए सल्तनत पीरियड में उसको पागल राजा बोलते हैं, बुद्धिमान तो था लेकिन उसके अकॉर्डिंग पागल भी था वो, तो ये पागलपंथी का एक नमूना था। आज की तारीख में हमारी करेंसी को ऑथोराइज किया गया है, अदरवाइज कोई भी घर में लल्लू पंजू छाप लेगा। ऑथोराइज किया गया है, एक संस्था है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने हर नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो देखा होगा, उसका नाम लिखा हुआ देखा होगा, तो दैट इज़ वन ऑफ द एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर आज की तारीख में मुंबई में, मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर है, वहाँ से हमारी करेंसी छपती है। अलग अलग नोट प्रेस है हमारे यहाँ पर, जैसे नासिक हो गया, देवास हो गया, यहाँ पर हमारी करेंसी छपती है और पूरे मार्केट में सर्कुलेट होती है। मान लो कि मेरे पास 1,000 का नोट ख़राब हो गया तो क्या होगा, उसके टुकड़े हो गए, तो मैं बैंक पर जाऊँगा, उसको चेंज कर दूँगा, दूसरा ले आऊँगा, बैंक उसी नंबर का सेम नोट दूसरा फिर से जारी कर देगा।
ये एक प्रोसेस होती है। तो हमारी करेंसी तब तक ही वैलिडिटी है जब तक कि वो किसी ऑथोराइज एजेंसी द्वारा ऑथोराइज हो, जैसे RBI, सरकार ने RBI को अधिकृत कर रखा है जिसके कारण वो नोट को छापती है। अब नोट काम कैसा है, पेपर में खबर आई सुखी लाला के घर डाका पड़ गया, तिजोरी से 30 लाख रुपये चोरी हो गए। सुखी लाला बेवकूफ़ था, उसे तिजोरी में क्यों रखा, बैंक में क्यों नहीं रखा, बैंक में रखता तो पैसा सुरक्षित रहता। सुखी लाला सर पीट कर रो रहे, अपने को ऐसा नहीं करने का। वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स वी हैव बैंक्स, हमारे पास बैंक्स हैं, हम बैंक्स में अपना रकम सुरक्षित रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हर आदमी अपने अमाउंट कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने 20,000 रुपये महीना कमाया, 20,000 में से उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको 12,000 या 15,000 लगता है, मान लो कि 15,000 लगता है। अब वो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है उसका क्या करेगा, घर में रखेगा तो किसी काम के नहीं आएंगे, लक्ष्मी को चलायमान होना चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, उसको बैंक में डिपॉजिट कर देगा। बैंक में डिपॉजिट करने से फ़ायदा क्या होगा, सुखी लाला जैसा चोरी का खतरा चल गया, आपका पैसा बैंक में सेफ है। बैंक में पैसा सेफ है, इसके बदले बैंक आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर आपको बैंक कुछ और पैसा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मान लो 5,000 के ऊपर, तो आपको 500 रुपये के अतिरिक्त आय उससे हो गई। एक रेट बता रहा हूँ, ये फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, पर वो फ्लक्चुएट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, तो उसके हिसाब से आपको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दो फायदे होंगे आपके इससे, आपका पैसा सुरक्षित है, दूसरा जब भी आपकी इच्छा होगी आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। और बैंक में पैसा रखने पर आपको फ़ायदा क्या है, अलग अलग अकाउंट खोल के आप उसमें पैसा सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप उसको साल भर के लिए फिक्स कर सकते हो, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग मिलेगा, या आप करंट डिपॉजिट में रख सकते हो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। जैसे आपकी सुविधा, आपको हर एक अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ के आपको मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिट, ये आज की तारीख में आपका बड़ा प्रॉफिट है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, मान लो कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, मैं बैंक के पास पैसे लेने गया तो क्या करूँगा, अगर मेरे पास चेकबुक है तो मैं उससे निकालूंगा, दूसरा या तो विड्रॉल फॉर्म है, विड्रॉल फॉर्म से पैसे पे करूंगा। विड्रॉल फॉर्म मैंने भरा, बैंक में गया, विड्रॉल फॉर्म भरा, उस फॉर्म को भर के उसमें मैंने अकाउंट डाला और पैसा निकाल लिया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका हो चेक पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे त्यौहार का टाइम पे लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, नॉर्मल सरकमस्टेंसेस में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो आपको जगह जगह, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान बनाया, बच्चे ने जिद की पापा स्मार्ट टीवी ले लो, मार्केट में अपना टीवी पुराना हो गया, टीन का डब्बा, इतना बड़ा भारी टीवी उठा उठा के परेशान हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, आपने नया स्मार्ट टीवी प्लान किया, फ्लैट टीवी दीवार में लग जाएगा, पैसा मान लो आपने 35,000 का टीवी प्लान किया, अब आप बाजार में 35,000 रुपये लेके जाओगे तो आपको सिक्योरिटी का खतरा रहेगा, कोई लूट ना ले, मेरे पैसे के जरूर चले जाए, तो क्या करूँगा, बेस्ट वे टू कैरी चेक। चेक एक तरीका होता है। अब वास्तव में चेक होता क्या है, चेक पेमेंट हम कैसे करते हैं, चेक में इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चेक एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें उस पीस ऑफ पेपर में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। उस पीस ऑफ पेपर को आपने बंदे को पेमेंट, बंदे का नाम लिख के पेमेंट कर देना है, और उसके खाते में पेमेंट जब वो बैंक में लगाएगा तो उसके खाते में पैसा अपने आप आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बेसिकली चेक में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, चेक में डेट होती है जिस डेट में आपको पेमेंट करना होता है, आप उसको उस डेट को आप डालेंगे। जैसे आज आपने पेमेंट किया 35,000 रुपये का, आपने टीवी लेकर आए, टीवी में डेट डाल दी, डेट के बाद क्या हुआ, किसको आपने पे किया, जैसे आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से पे किया तो उसका नाम आप लिख दोगे, उसको आपने पे किया। पैसे दो तरीके से आप भरेंगे, एक वर्ड्स में और एक फिगर में, दो तरीके से आपने पेमेंट भरा। अब बेसिकली उस चेक में इन्फॉर्मेशन अदर क्या रहती है, उस चेक में इन्फॉर्मेशन रहती है आपके अकाउंट नंबर रहता है, आपके बैंक का नाम रहता है, प्लस आपका बैंक का ब्रांच का कोड रहता है जिस ब्रांच का आपका चेकबुक इशू है, और उसमें चेक का नंबर होता है, और बैंक जिस कोड को यूज़ करता है उस कोड का नंबर रहता है, कोड यूज बाय द बैंक, ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे उसमें चेकबुक में अलग अलग रहती है। जस्ट यू हैव टू साइन, बैंक आपके जब सामने वाला बंदा आपको चेक दिया, आप उसके उसने आपके अकाउंट में अपने अकाउंट में पैसे चेक डाला, चेक क्लियर होगा जब आपके अकाउंट के साइन मैच कर जाएंगे, साइन मैच करें देन आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, योर टास्क विल बी डन, दिस इज वन ऑफ द फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब मांगे जाने पर बैंक के द्वारा आपको दी गई राशि, ठीक, इससे आपका पैसा सुरक्षित भी है, ट्रांसमिशन ऑफ मनी इज ऑल्सो सेफ, आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बगैर कैरी किए हुए यहाँ से वहाँ आसानी से चला जाएगा, आपका काम हो जाएगा।